आज हमने हाईवे के ढाबे पे डिनर किया था, तो मैंने वहाँ पे एक बहुत अच्छी चटनी खाई थी। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये मूंगफली की अचार है। तो चलिए आज मैं भी बनाती हूँ मूंगफली की अचार। तो इसके लिए हमने 1 कप मूंगफली, आधा कटोरी लहसुन और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्चा को तवे पे पहले भून लिया, फिर उनके सारे छिलके, लहसुन के छिलके उतार दिए और मूंगफली के छिलके उतार दिए। फिर उन्हें सिलबट्टे पे अच्छे से दरदरे कर लिया। अगर आप सिलबट्टे आपके पास नहीं है तो आप मिक्सी में भी दरदरे कर सकती हैं, लेकिन सिलबट्टे का टेस्ट कुछ अलग ही रहता है और जो बहुत ही मज़ेदार रहता है। तो अब सबको हम उस नमक के साथ सिलबट्टे पे तीनों को पीस लेंगे। दरदरा ही करना है, ज़्यादा हमें पेस्ट नहीं करना है। फिर उसे हम एक बर्तन में निकाल देंगे। अब उसमें हम हल्दी, मिर्चा पाउडर, भुने हुए जीरा का पाउडर, काला नमक और अचार का जो मसाला, अगर आपके पास अचार का मसाला है तो आप वो डाल सकती हैं, नहीं तो सिर्फ मेथी, सौंफ और जीरा को तवे पे भून के और उसे भी डाल सकती हैं। और फिर उसमें नमक डाल करके और नींबू निचोड़ करके और कच्चा तेल सरसों का डाल करके उसे बनाए अच्छे से मिक्स कर दीजिए और सिर्फ़ एक दिन धूप थोड़ा सा दिखा दीजिए, बाकी उसके बाद आप बहुत दिन तक इसे खा सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार मूंगफली की अचार, तो लीजिए, खाइए, खिलाइए। और बनाते बनाते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो चलिए अब हम बनाइए और फिर प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा कि कैसी बनी है बहुत ही मज़ेदार मूंगफली की अचार। बाय बाय।